सो हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आपके अपने चैनल हर्ष प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। सो गाइज, अभी ना कबूतर खोले भी नहीं है और भाई सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे धूप देखोगे ना भाई कैसी कर रही धूप निकल रही है भाई, काफी तेज धूप लगती है। सुबह सुबह निकल जाती है, 6 से 7:30 बजे धूप निकल जाती है और धूप ऐसी लगती है ना इतनी तेज, तो भाई कुछ कह नहीं सकते। और गाइज, आज अपने लॉफ्ट के अंदर दो नए मेहमान आए हैं, तो भाई वो दिखाने वाला हूँ आपको, कौन से दो नए मेहमान हैं वो आपको दिखाऊंगा लॉफ्ट में। तो भाई किधर है किधर नहीं, अपने कबूतर खोलते हैं सारे। और भाई अपने पास ना जो दो मेहमान आए हैं, दो मेहमान में से ना उसके अंदर से एक में कुछ दिक्कत है, वो भी बताता हूँ आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो भाई चलते हैं, जल्दी से दिखाता हूँ आपको क्या है। तो भाई अपने दो मेहमान तो इसके अंदर है, और पहले तो बैड न्यूज़ बता दूँ भाई, अपनी ना एक हरी कबूतरी थी, जो हरी कबूतरी उसके साथ जो पकड़ी थी ना हमने, तो भाई वो भाग गई कल परसों। छोटे भाई से शाम में कबूतर खोले होंगे उन्होंने, उड़ाया उड़ाया होगा, तो वो उठ के वहाँ बैठ गई थी, वहाँ बैठी और वहाँ से आई नहीं वापस। कोई बात नहीं, चलो ऐसा होता रहता। और हमारा एक पट्ठा भी गायब हो गया कल, तो भाई वो भी लग गया यार कहीं, आज जाके उसको भी लेकर आएंगे। हरा पट्ठा अपना जीरा पट्ठा है वो, जो है जैसा भी है आपको दिखाऊंगा कौन सा पट्ठा है वो, उसको लेकर आएंगे जब। और अभी फिलहाल ना अपने पास ये हैं दो वे नए मेहमान। सो गाइस लॉफ्ट के अंदर है, लॉफ्ट के अंदर नहीं जाल के अंदर, ये देख रहा हूँ ना भाई बाजू में क्या हो रहा है इसकी। भाई ये जंगली कबूतर हैं दोनों, ये वाली फीमेल है और वो पीछे वाला मेल है। भाई ये पता भी कहाँ से आए हैं, ये आए हैं हमारे नीचे वाले फ्लोर पे, इन्होंने अंडे रख रखे थे, बच्चे निकले हुए थे भाई इनके, छोटे छोटे पहले बच्चे निकले थे, पहले तो काफी बड़े बच्चे हो गए थे इनके, अपने जितने बच्चे हो गए थे, जितने बड़े हमारे ये वाले बच्चे है ना, ये वाले जो बच्चे हैं, इतने बड़े बच्चे को बिल्ली ले गई थी उठा के, तो पानी हटा देते पहले। इतने बड़े बड़े बच्चे उठा कर ले गई बिल्ली यार, दो बच्चे थे, एक तो हमारे जीने पे ही खाया था, एक पता नहीं लेकर चली गई थी। तो भाई दोनों बच्चे इसी के थे, वे इसी जोड़ के, ये हमारे जाल पे है नीचे, जो ग्रिल बन रही है ना भाई, छज्जा होता छज्जे पे अंडे रख रखे थे इन्होंने, अभी इनके भी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, तो भाई दोनों बच्चे खा गई यार बिल्ली। इसी वजह से हम इनके नीचे अपने कोई बच्चे नहीं रखते, क्योंकि भाई हमला भी कर देती है और अब बच्चे भी ले जाती है वो, तो शुक्र मनाओ वाली कबूतरी हाथ में नहीं आई इसके, नहीं तो ले जाती इसको भी। ये देखो भाई इसकी बाजू पे बहुत ज़्यादा लग रही है, देखो भाई रात में पकड़े हैं दोनों कबूतर, ये देख रहे हो ना बाजू पे जो लग रही है इसके। तो भाई अभी इसके ना दवाई वगैरह लगानी है, दवाई लगाते जल्दी से और फिर अपने सारे कबूतर ये खोलने हैं, तो कबूतर भी खोलते जल्दी से। तो भाई पहले वाले कबूतर खोल देते हैं इतने, क्योंकि भाई ये दाना वाना खिला लेंगे। और भाई इसके अंदर भी ना हमारे दो कबूतरों ने ना अंडे रख दिए हैं, वो भी दिखाऊंगा कौन कौन सी ने रखा कौन सी ने नहीं, तो इसे भी खोल देते हैं, क्योंकि भाई इसने भी अंडा रख दिया कबूतरी ने, एक जोड़ ने, और एक के नीचे तो हमने अंडे शिफ्ट कर ही रखे हैं, दिखाता हूँ आपको। तो भाई पहले जल्दी से जाते हैं भाई, उसके लिए दवाई लेकर आते हैं, जो उसके दवाई लगानी है, उसके बाद अपने कबूतरों को शॉक कराता हूँ क्या आया हुआ है अपने कबूतरों में क्या नहीं। तो भाई अभी ना मैं हल्दी लेकर आ चुका हूँ थोड़ी सी गिलास में घोल के, तो भाई हल्दी और तेल है, जो कि भाई जो कि कबूतर में जो जहर वगैरह होएगा ना, तो भाई वो सब निकल जाएगा इससे, क्योंकि भाई हल्दी ऐसी होती है, तो भाई हमारे कभी चोट लग जाती है ना, तो हमारे भी यही सब चीज़ लगती है, बचपन में लगी भी होगी आप लोगों के। तो भाई इस तरीके से ऐसे छोटे बच्चे हैं यार, बिल्ली ने पंजा मार रखा है, तो भाई मैं उसको ना अब जाके लगाता हूँ इसके, क्योंकि भाई इसके भी जहर वगैरह फैला हुआ होगा, और भाई जब कल पकड़ी थी ना तो खून भी निकल गया था इसके, तो अभी जल्दी से चलते हैं निकालते हैं उसे, और भाई चटकेंगे तो काफ़ी, फिर भी हम निकालेंगे इनको। ये देखो भाई बाजू देखोगे ना इसकी कैसी हो रही है पूरी, भाई ये देखो रात पूरा खून निकला था ना इसके, तो भाई खून जम गया इसलिए थोड़ी ब्लैक ब्लैक भी हो रही है। तो भाई अभी इस बाजू पे लगाने वाले हैं, और ये देखो ना इधर से, ये देखो तो बच गया बस इसका पोटा, नहीं तो पोटा फट जाता ना तो दिक्कत बन जाती कबूतरी की, मरी जाती बेचारी भाई इस बाजू से ना, ये बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रही कबूतरी। इधर से तो काफ़ी ठीक है ये देखो, बस और कहीं लगी नहीं इसके,
शुगर मनाओ बस यहीं यहीं लगी है, तो अब जल्दी से लगा देते हैं इसकी हल्दी। तेल लगाया है तो अभी देखते हैं भाई, इसको रखते हैं जाल में, भाई फड़क तो बहुत है इनमें, जल्दी से रख देते हैं इनको और भाई इनके लिए दाना पानी देंगे। सो गाइज मैंने ना अभी इसके हल्दी वगैरह तो लगा दी है और आपको दिखाया भी मैंने किस तरीके से हल्दी वगैरह लगाई है, तो भाई अभी मैंने छोड़ दिया इसके लिए दाना वगैरह रखना और पानी रखना, क्योंकि भाई कल रात से ही ऐसी हैं और इनके लिए हमने नीचे भी पानी वगैरह रखा था, तो भाई अभी परेशान हो रहे हैं इसलिए इन्हें रहने देते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। और अपने वाले कबूतर भी खोल ही दिए हैं, तो अपने और कबूतर भी खोल ही देते हैं दूसरा जाल। तो गाइस अभी इसमें से ये वाले कबूतर भी खुल गए और भाई हमारी ना एक कबूतरी हवा में आ चुकी है, ये देख रहे हो ना भाई, ये जो चांदनी निकली अपनी काली चांदनी चोटिल दी है ना, ये वाली भाई देखो, ये जो घर की पट है कहाँ गई बैठ आटी हूँ, ये देख रहे हो ना भाई किस तरीके से हिल रही है, तो भाई इसका इलाज बताएं आप भी और भाई नहीं तो हम पता करेंगे तो हम भी बताएंगे, ये देख रहे हो ना किस तरीके से कर रही है भाई, इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई। ओ भाई अचानक से हो गया ये सब यार, हमें पता भी नहीं, इनने खुद जोड़ा लगा लिया था वैसे तो, अब जोड़ा लगाने के बाद इनने अंडे वंडे बच्चा बच्चा अंडा वंडे निकले, तो भाई इसके बाद इसका बुरा हाल हो गया, देख रहा हूँ ना कैसे हिल रही है, ये देखो भाई सर्दी में लखवा आता है और भाई ये देख रहा हूँ ना गर्मी में लखवाया है, इस बार बड़ा भयंकर है ये सब, अब पता नहीं यार ये कबूतरी बचेगी अपनी कि नहीं बचेगी, बड़ी प्यारी और खूबसूरत कबूतरी है ये देखो भाई, पर हवा में आ गई, ये देखो छोड़ूंगा ना, ये देखो कैसे होती रही है बेचारी, ये देखो भाई ये जो अपनी हरी और भाई लाल का जोड़ है ना, तो भाई इसके नीचे ना बच्चा निकला हुआ है एक, भाई इसका बच्चा तो काफी बड़ा हो रहा है, लाल बच्चा है ये देखो भाई, कहाँ है पहले जोड़ को बाहर निकाल लेते, ये हरी मादी ने आपको भी पता ही है भाई इसके, और ये देखो भाई ये खाने नहीं देता भाई कबूतरी को दाना, इसलिए मैं इसे बाहर ही नहीं निकालता, इसको रख देते हैं इसके अंदर थोड़ी देर, इसको कर देते हैं बंद, भाई मादिन को दाना नहीं खाने देता बिल्कुल भी, और भाई हमने ना इसके नीचे ना एक कबूतर शिफ्ट कर रखा, पहले निकला ये सुरखा बच्चा इसका, ये देखो इस बार जैसा हमारे पटियाले के निकले थे ना ऊपर, तो भाई ये सुरखा निकला, और भाई हमने ना इसके नीचे ना एक सफ़ेद पत्थर रख रखा है, ये देखो भाई इसे भी दाना चुकाती है भाई बड़े अच्छे से, ये देखो भाई ये पता भी सफ़ेद कबूतर कौन सा है, ये है भाई सफ़ेद इसका इसका नहीं, ये देखो भाई दूसरा पट्टा ये है जो कि भाई इसके साथ का निकला हुआ है, ये दोनों भाई हैं ये वाला और ये वाला, तो हमने ना शिफ्ट कर दिया नीचे इसके, तो भाई इसको ना इसके नीचे रहने देते हैं अब अंदर बैठना जाके भाई, और भाई अंदर नहीं बैठते भाई यहीं बैठता है ईंट पे, और भाई इसके नीचे भी बच्चा निकला हुआ है, अब हो भाई तुम तो गुस्से में हो रही हो, कितना बड़ा हो रहा बच्चा दिखा दो भाई, इसका बच्चा ये देखो ना, अरे 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 पूरी लड़ रही है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं भाई, इसके नीचे जो बच्चा रखा है और इसके नीचे जो बच्चा रखा है ये देखो ना भाई, साइज एक जैसा ही है पर यार ग्रोथ नहीं हो रही बच्चों की, ये देख रहे हो ये बच्चा कितना सा भाई, काफी दिन से इतना सही है ये बच्चा भाई, वाला बच्चा आज दोनों बच्चे उसके नीचे शिफ्ट कर दोगे ऊपर वाली के, ऊपर रख दोगे इस वाले बच्चे को, फिर वाला जल्दी बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत, चलो भाई इसके नीचे रहे, देखो कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है, इससे बड़े वही तो क्या, अकेला अकेला बच्चा पड़ने पड़ता है, सिंगल सिंगल ही रहने देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये बड़ा तो हो नहीं रहा ना इतना जल्दी से,
ये बहुत टाइम से इतना का इतना ही है। ओ गाइस ये वाला नर हमारा अकेला हो गया बेचारा, इसकी माँ दिन थी भाई, हरी भाग गई थी। जो भी थी पकड़ी थी भाई। अभी ना कबूतर वगैरह सब कुछ खुले हुए हैं और मैंने ना अभी लॉफ्ट के अंदर ये जाल है ना भाई अपने पेटी, तो गाइस के अंदर ना ये वाले छेद करे हैं। तो गाइस अभी इस तरीके से सारे जाल पे करने हैं, मतलब सारी पेटी पे और सारे गेट पे करना है इस तरीके से। और भाई इस बच्चों को देख रहा हूँ ना, पता भी क्या कर रहा है ये। देखो भाई दाना अटक जाता, पता नहीं इस पट्टे के क्या होता है क्या नहीं, समझ नहीं आता भाई। शुरू से इसकी दिक्कत सी चल रही है, तो अभी चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो भी बाद में बताएंगे। और हमारी पहले बताता हूँ कौन कौन से कबूतरी ने अंडे रखे। भाई ये जो पिल्की कबूतरी है ना, इसने एक अंडा रख दिया है आज, आज नहीं रखा भाई कल रखा है। और हमारी सिराजी ने, सिराजी और ये देसी की जोड़ ने भाई दोनों अंडे रख दिए हैं इसके नीचे, दोनों अंडे हो चुके हैं। तो गाइस दोनों अंडे हैं इसके नीचे। और भाई हमारी कौन सी कबूतरी ने रखा, भाई इस कबूतरी ने फिर से अंडा रख दिया है, क्योंकि भाई इसका अंडे अभी दोनों शिफ्ट करे थे इसके नीचे, जो कि ये वाली कबूतरी बैठी हुई है। आपको भी पता है भाई ये वाली कबूतरी हमारी अंडे नहीं देती है, इसके नीचे हम अंडे रख देते हैं तो ये अच्छे से बच्चे निकाल देती है और पाल भी देती है। बस अब इसने दोबारा से अंडे रख दिया, बस यही था आपको बताने के लिए। सो गाइज बस लॉफ्ट के अंदर इतना ही है, और उस वाले लॉफ्ट में अभी किसी कबूतरी ने अंडे नहीं रखे, बस एक कबूतरी बीमार हो गई है हमारी ये वाली। सो गाइज इसका भी इलाज विलाज करेंगे तो आपको भी बताएंगे। और भाई और सारे कबूतर अपने ऐसे हैं, दो कबूतर जाया हो गए अपने, एक पहले तो पिलखा पट्टा भाग गया था ऐसा वाला, ये वाला पिलखा पट्टा है ना इसके जैसा ही एक पिलखा पट्टा था भाई हमारा, तो वो भी भाग गया। इस कलदुमे का भैया था भैया, वो कहेंगे ये वाला कलदुमा है ना, इसके साथ जो पट्टा था इसका भाई जो था भाई वो भी भाग गया। और एक कल वो जो चितकबरा सा था भाई, जैसा वो मेल बैठा है ना उधर, उसके जैसा एक पट्टा निकला था हमारे पास तीतर सा, तो भाई वो भी चला गया। अब अपने पास बचे कौन से कबूतर, सिर्फ तीन पट्टे बचे हैं, एक ये वाला सिराजी का बड़ा पट्टा और एक कांग्या ये वाला, एक जरद सा जो है ये बचा है, और एक ये अपना एक कलदुमा। ये तीन दो बच्चे अब गए हैं उड़ने वाले, और ये पहले की झोल का बच्चा है भाई ये सिराजी जो है, सबसे पहला पट्टा ये वाला है, उसके बाद ये वाले दो निकले हैं भाई। निकले थे कितने, दो लाल के भाग गए, एक कल छह बच्चे निकले थे भाई, छह में से चार भाग गए नी, चार भाग गए, दो बच रहे हैं ये वाले पट्टे, एक ये वाला और एक कहाँ गया। अब इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, वो बैठ गया भाई जाके, और भाई अच्छे खासे उड़ते हैं ये, नहीं गिरते ये पट्टे, एकदम गर्दान हो गए अपने। तो गाइस बस आज के लिए इतना सही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और गाइस इन पट्टों, इन कबूतरों को जरूर बताएं कि भाई इन कबूतरों को हम क्या करें भाई, रिलीज कर दें या फिर इन्हें वो रखें अपने पास ही रख लें, इन्हें इनके साथ ही इनके नीचे अंडे बच्चे करवाएं, क्योंकि भाई ये ज़्यादा, जब से मैं इनके पास आता हूँ तो भाई ऐसे करने लगे थे, क्योंकि भाई इतना तो अपने जंगली कबूतर नहीं पालतू कबूतर भी करते हैं, और भाई यानी ये रिलैक्स पड़े हैं यहाँ पे अच्छे से रहते हैं। तो आप बताना कमेंट कर कर कि भाई इनका क्या करना है क्या नहीं, रिलीज़ करना है रिलीज़ कर देंगे, नहीं तो भाई अपने छज्जे पर ही जाकर बैठते हैं ज़्यादातर तो।